राम जी का वनवास नहीं खत्म हो रहा, राम जी तो व्याप्त हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन एक रामलला बालक स्वरूप के रूप में जो इनका मंदिर हुआ करता था वो बन करके तैयार हो गया है, उसमें विराजमान होंगे। आप कह रहे हैं कि मंदिर बन गया है और रामलला विराजमान होंगे, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है मंदिर अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक नियमों का उल्लंघन है। अब उनके लिए क्या कहें, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, अज्ञानता बनने की जरूरत नहीं है। उनको जब लगे कि मंदिर ठीक है तब दर्शन करने आए, उनके लिए भी द्वार बंद नहीं होंगे। वो आलोचना करें चाहे शुभकामना दें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हमारी ओर से एक ही कहना है, आवें और दर्शन करें, पूजन करें। कांग्रेस ने कहा है कि उनको इन्विटेशन तो मिला है पर आएंगे। कांग्रेस को क्या, हमने सबको दिया है, सबको भेजा है, व्यक्ति गए, डाक द्वारा नहीं भेजा, व्यक्ति गया है, उनको दिया है तो मिल गया, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम ज्यादा लग रहा है, ना कि मंदिर का धार्मिक आयोजन। ये धार्मिक आयोजन है, बीजेपी का नहीं है कार्यक्रम, ये आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सबका मिलकर कार्यक्रम है, आम जनता का कार्यक्रम है, राम भक्तों का कार्यक्रम है, सब आने वाले राम भक्त। यहाँ मेला लग रहा है, ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, नहीं तो इतनी भीड़ आ रही है कि सड़क पूरी जाम हो रही है, आपने देखा होगा, आगे और जाम होगी। अब शंकराचार्य जी के लिए क्या कहें, वो तो हमारे धार्मिक गुरु हैं, कुछ भी कह सकते हैं, माफ है सब। तेज प्रताप यादव ने कहा है, तेज प्रताप यादव हैं, बिहार के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राम जी उनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा ये सब ढूंढ लो, वो 22 को अयोध्या आएंगे। बहुत अच्छा है, स्वागत है उनका, राम जी 22 को अयोध्या। हाँ, तो वो हमें स्वागत है उनका, वो विनय कटियार से मिलेंगे तो और खुश होंगे। बीएसपी की नेता है मायावती जी, उन्होंने कहा है कि उनको इन्विटेशन मिला है लेकिन आने ना आने पर उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है। साथ में उन्होंने दो चीजें और कही कि राम मंदिर का भी स्वागत है और जो बाबरी मस्जिद बन रही है भविष्य में उसका भी स्वागत है। किसने कहा? मायावती जी ने कहा ना, तो अच्छा कहा है, हम भी चाहते मस्जिद उनकी बनाए, बढ़िया बनाए, भव्य बनाए, बजाय फैजाबाद भर में वो जो अयोध्या हो गया है मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बजाय वो यहीं आवे, पहले मस्जिद तो बनावे बढ़िया सी, अच्छी सी बनावे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।